चलिए सभी आ जाइए लाइन, ऑनलाइन आ जाइए, पर चलिए सभी फटाफट। सभी ऑनलाइन आ जाएं। जो एक हाय का मैसेज करें सभी। सभी आ जाएं ऑनलाइन और मुझे एक हाय का मैसेज करें। कौन कौन आए हैं ऑनलाइन? चलिए सभी आ जाइए। मैं तब तक सभी को शेयर कर दूं, आप लोग भी आ जाएं ऑनलाइन। सभी आ जाएं। बस अब हम 2 मिनट में शुरू करेंगे। सभी मैसेज करें मुझे हाय का। मेरी आवाज सही से आ रही है आप सभी के पास? चलिए मैसेज करके बताएं। काफी सारे लोग ऑनलाइन आ चुके हैं लेकिन मैसेज नहीं आया है अभी तक किसी का। चलिए फटाफट मैसेज करें ताकि हम शुरुआत करेंगे। 2-3 मिनट सबका वेट कर लेते हैं। सभी आ जाएं। चलिए फटाफट सभी ज्वाइन करें। आवाज आ रही है सबको मेरी? चलिए 2 मिनट वेट कर लेते हैं फिर शुरू करेंगे ताकि आप लोगों का कुछ छूटे ना। चलिए सभी आ जाएं ऑनलाइन। शुरू करते हैं फिर एक बार, आप लोग सभी आ जाएं। मैसेज कीजिए फटाफट आप सभी मुझे। मेरी आवाज सही से आ रही है आप सभी के पास? 7:05 पे क्लास शुरू करेंगे, तब तक आप सभी जुड़ जाएं। चलिए नवीन शुक्ला ने ज्वाइन कर लिया है। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं सभी, और सभी आ जाएं उसके बाद फिर शुरू करते हैं। आ रही है वॉइस? ठीक है, बस अभी 2 मिनट में शुरू करेंगे। सभी आ जाएं पहले, नहीं तो फिर सबका छूट जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग सौरभ, सभी का आप लोग शेयर कर दें। क्लास बस शुरू हो जाएगी अभी तो सभी ज्वाइन कर लें। दिवाकर चौधरी बोल रहे हैं हाय। हाय दिवाकर, एक बार लाइक कर दे सभी जितने लोग अभी देख रहे हैं क्लास। देखिए लाइक कर देना कीजिए। चलिए फिर शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे। ये थोड़ा सा मेरे बारे में, अब तक तो आप सभी मेरे बारे में जान ही गए हैं। आई एम शालिनी बंसल एंड आई हैव 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन डिफरेंट फील्ड लाइक IAS, PCS, SSC, NDA, CDS। अब आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे क्या मिलता है? अच्छा, अनुज बोल रहे हैं गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अनुज। पूनम बोल रही है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सौरभ बोल रहे हैं शुरू करने के लिए। नवीन बोल रहे हैं यस मैम। ठीक है बस शुरू कर लेते हैं। अब बस सभी लाइक कर दें अब शुरू होने से पहले।
देखिए यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट होंगे, आप अपने टॉपिक को ट्रैक कर सकते हैं कि कितनी आप लोगों को चीजें समझ में आई है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स से क्या मतलब है, एक्सक्लूसिवली आपके सिलेबस को देख के बनाए गए हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है। एक बार एक्सेस आप ले लेंगे तो आप किसी भी एजुकेटर की आप क्लास ले सकते हो उस कैटेगरी में। अनअकैडमी ऐप आप इंस्टॉल कर लें, वहां पर भी हमारी क्लास होती है। अभी अभी मेरी क्लास चल रही है आपकी 11 to 12 मॉर्निंग में चल रही है क्लास, तो आप सभी वो क्लास अटेंड करें। वहां पे लोग नहीं होते हैं यहाँ वाले, तो वो वाले क्लास भी अटेंड करें आप सभी, तो 11 to 12 है वो क्लास। और आप सब्सक्रिप्शन देख सकते हो, 1 month का सब्सक्रिप्शन है, 3 month का है, 6 है, 12 है और 24 month का सब्सक्रिप्शन है। तो देख लीजिए आपके प्राइसेस जो है वो ये है, पर 12 month का सब्सक्रिप्शन लेना ज्यादा सही है। क्यों सही है? तो क्योंकि तैयारी में 1 से 2 साल तो लग ही जाते हैं भाई, तो इसलिए बेटा कितने साल का लेना है, या फिर 1 साल का या फिर 2 साल का, क्योंकि 1 साल में बस 1 month की फी ऐड करना है और 2 years का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो अब बात ये करते हैं डिस्काउंट की। अगर डिस्काउंट की बात करें तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको अगर आप SHALINI कोड अगर अप्लाई करते हो तो आप SHALINI कोड जरूर अप्लाई करें। और आपको जो भी कोर्स खरीदना है परचेज कर सकते हो, जरूरी नहीं है यूपीएससी के ही, आपको यूपीपीएससी के ही कोर्स खरीदने तभी आप ये कोड लगाओगे। आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो आप ये कोड लगा के परचेज कर सकते हो। देखो डिस्काउंट के बाद आपकी इतनी हो जाएगी फी, आप देख सकते हो, तो बहुत ही मिनिमल है चार्जेस कंपेयर टू आप बाहर का देखें अगर फी स्ट्रक्चर। तो चलिए आज हम क्या बात करेंगे, तो आज हम बात करेंगे नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क आपके नॉर्थ इंडिया में कुछ स्टेट आज हम कवर करेंगे और कुछ स्टेट हम बाद में कवर करेंगे। तो आज देख लेते हैं हम कौन कौन से स्टेट कवर करने वाले हैं। तो देख लीजिए जम्मू कश्मीर कवर करेंगे आज हम, जम्मू कश्मीर भी देखेंगे क्या है, आपके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो ये 3 स्टेट आज हम कवर करेंगे। और कुछ MCQ भी होंगे आपके एंड में इसके, तो MCQ भी हम देखेंगे। MCQ इससे रिलेटेड भी हैं और कुछ दूसरे स्टेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे MCQ। चलिए पहले ये समझ लेते हैं नेशनल पार्क क्या है। सभी लाइक कर दें जितने लोग देख रहे हैं। और नेशनल पार्क क्या है चलिए देख लेते हैं। तो नेशनल पार्क क्या है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिस को, मतलब पर्टिकुलर किसी एनिमल को, पर्टिकुलर किसी जानवर को सेव करने के लिए ही, कंजर्व करने के लिए ही नहीं क्रिएट किया जाता है, बल्कि बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारे फ्लोरा होती है, बहुत सारे फौना होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क बनाया जाता है बेसिकली। यहाँ पे देखिए जैसे कि चरवाहे अलाउड नहीं है, मतलब आप अपने अपने जो ये एनिमल्स वगैरह है उनको चरा नहीं सकते, उनको ग्रेजिंग करने के लिए नहीं ले जा सकते वहां पे। समझ में आ रहा है? ग्रेजिंग नॉट अलाउड लिखा है। ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, ना ही कोई ह्यूमन एक्टिविटी इसके अंदर हो सकता है, ना ही कोई ह्यूमन इसके अंदर रह सकता है, ये भी ध्यान रखना है। ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। और नेशनल पार्क को कैन नॉट होगा, यहाँ पे कैन भी नहीं होगा, कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड टू सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम इसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो उसको अपग्रेड किया जा सकता है एज ए नेशनल पार्क, बट नेशनल पार्क का औहदा घटा के हम उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते, ये भी ध्यान रखना है। वाइल्ड नेशनल पार्क में क्या होता है कि अगर कोई एरिया है वहां पे किसी जानवर को प्रोटेक्ट करना है या नेशनल पार्क बनाना है, तो उस एरिया में अगर आपकी जगह आ रही है तो आपको मुआवजा दे दिया जाएगा, आपको कुछ पैसे दे दिए जाएंगे उस एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करके। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपको वो लैंड देना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहो चाहे आप ना चाहो, लैंड तो भाई आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, आप चाहो तो उस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर, उस सेंचुरी के अंदर आप रह सकते हो। तो ये मेजर डिफरेंस हो जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपके क्या नेशनल पार्क में, ये ध्यान रखना है भाई। सबको समझ में आया? बता दीजिए फटाफट, आ गया समझ में? कुछ तो बोलिए, यस या नो, तभी लाइक कर दें। काफी सारे लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो, लाइक कर दीजिए भाई, अच्छा लगता है लाइक करते हो तो, मोटिवेशन मिल जाता है बहुत। चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर जो आपका यूटी बन चुका है, अब कितने यूटी हैं कमेंट सेक्शन में बताएं फटाफट कि यूटी कितने हैं। तो यूटी आपका जम्मू कश्मीर जो है यूटी बन चुका है, अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या आपके क्या है, क्या कितने नेशनल पार्क है और कौन से हैं, बताएं दिवाकर, बताइए भाई कितने हैं नेशनल, कितने हैं यूटी, अब इंडिया में कितने यूटी हैं ये बताना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। चलिए बता दीजिए फिर शुरू करते हैं।
इतने सारे लोग देख रहे हैं लेकिन आंसर नहीं दे रहे हैं। चलिए बताइए, फिर डिस्कस किया जाएगा। चलिए सलीम अली नेशनल पार्क देख लेते हैं। अगर हम सलीम अली नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखना है, पूछ लेता है कि सर सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क किसको कहा जाता है। सही एट है, बहुत लोगों का आंसर आ गया है, सही है एट है। अब नेशनल, अब आपके जो यूटी है वो एट है और आपके जम्मू कश्मीर को भी यूटी बना दिया गया है, ध्यान रखना है। वसीम अली बोल रहे हैं, मैडम जी नमस्ते। नमस्ते वसीम जी, क्लास 7 to 8 होती है। बहुत सारे लोग आज नए जुड़े हैं, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए सभी। देखिए सलीम अली नेशनल पार्क को सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं। लोकेटेड कहाँ है ये, तो लोकेटेड है ये आपके श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, ठीक है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ये लोकेटेड है। और ये नोटिफाइड है इन 1986 को, इसको नोटिफाइड किया गया था इनके नाम को, ये इसको एज ए नेशनल पार्क। और इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली के नाम पे। देखिए ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो बर्ड्स वगैरह पे जिनको बहुत अच्छी जानकारी होती है, जिनको सेव, जो बर्ड्स वगैरह को सेव करना चाहते हैं और उनके बारे में क्या करते हैं, ज्यादा अध्ययन करते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो सलीम अली ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ये बर्ड्स के लिए ये अध्ययन करते थे बर्ड्स के बारे में। तो इनके नाम पे ही इस पार्क का नाम सलीम अली रखा गया है। आपका पर्सनालिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन में आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। और ये पार्क है, ये बहुत सारे वाइल्ड लाइफ स्पेसिस को यहाँ पे क्या किया गया, सेव करके रखा गया है। आप देख सकते हो हंगूल मस्क डियर, हिमालयन ब्लैक बर्ड, लीपर्ड, हिमालयन सैरो, 70 स्पेसिस ऑफ बर्ड इंक्लूडिंग द पैराडाइज फ्लाई कैचर, हिमालयन मोनल, हिमालयन स्नो कॉक। आप देख सकते हो ये है, ये देखो ये बर्ड कितनी प्यारी लग रही है। तो इस टाइप के बर्ड भी वहां पे सेव किए गए हैं। ये आपके लियोपर्ड हो गए, ये भी वहां पे सेव करके रखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दिशिगम। दिशिगम नेशनल पार्क क्या होता है, चलिए अजय बोल रहे हैं हाय हाय। हाँ देवेंद्र, बर्ड के स्टडी को कहते हैं, सही ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड के स्टडी को कहते हैं। चलिए सभी लाइक कर दीजिए लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले। चलिए दिशागम नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, तो 22 किलोमीटर दूर लोकेटेड है श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से ये 22 किलोमीटर दूर है दिशागम नेशनल पार्क। ये पार्क को जो ये जो दिशागम है, मतलब कि ये जब इसको बसाया गया था, जब ये नेशनल पार्क बसाया गया था, तो जब इसको बनाया गया था तो उसको 10 गाँव को वहां से हटाया गया था, 10 गाँव को वहां से हटा के दिशागम नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। इसीलिए उसकी मेमोरी में ही इसका नाम रखा गया है दिशागम नेशनल पार्क, मतलब 10 गांव, अगर हिंदी में इसका नाम अगर आप समझेंगे तो। रिलोकेट किया गया था वहां से 10 गांव को और इसको अपग्रेड किया गया था एज ए नेशनल पार्क 1981 में। और मेन जो एनिमल स्पेसिस है यहाँ पे वो है हंगुल और आपके कश्मीरी टैग भी, स्टैग भी इन्हें कहते हैं। आप देख सकते हो ये है हंगुल और कश्मीरी स्टैग, इसे ही बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस्तवर नेशनल पार्क। देखिए किस्तवर नेशनल पार्क क्या है, तो ये किस्तवर जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर इंडिया में, वहां पर सिचुएटेड है। हाँ अनुज सिंह, हंगुल, जी हाँ ये है हंगुल, देख लीजिए भाई, इसको कश्मीरी स्टैग भी बोला जाता है, कश्मीर स्टैग। मैम इन सेतु और एक सेतु का क्लास कब होगा, होगा इसके बाद उसी की क्लास लेंगे, इसके अभी हम पहले ये कवर कर लेते हैं अपने नेशनल पार्क, उसके बाद हम थोड़ा सा ये सब चीजें भी डिस्कस करेंगे। आप सभी बता दीजिएगा कि क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, किस किस में आप लोगों को समस्या आ रही है, उसी के हिसाब से हम डिस्कस कर लेंगे, टॉपिक उसी के हिसाब से सेट कर लिया जाएगा टॉपिक। चलिए देखिए, तो इट वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क कस्तवर नेशनल पार्क को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 4 फरवरी 1981 में डिक्लेयर किया गया था। होम है हिमालयन स्नो कॉक एंड ब्राउन बियर का, आप देख सकते हो ये है हिमालयन स्नो कॉक, ठीक है, और ये है आपके ब्राउन बियर। और ये बाउंडेड बाय नॉर्थ बाय रीने, देखिए नॉर्थ में रीने रिवर है, वेस्ट में मारवा रिवर है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे रीने रिवर है और यहाँ पे क्या है, मारवा रिवर है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये किस्तवर नेशनल पार्क यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, ये इंडिया की पॉलिटी कब होगी, पॉलिटी सुबह चल रही है, अजय 11 to 12 चल रही है पॉलिटी आपके ऐप पे, एन अकेडमी एजुकेटर ऐप पे 11 to 12 पॉलिटी चल रही है। मैम थर्मल पावर प्लांट का डिस्कस कराइएगा, ठीक है कर लेंगे थर्मल पावर प्लांट का भी डिस्कशन। पॉलिटी 11 to 12 सुबह रोज चलती है, आप वहाँ डिस्कस कर ले, आप वहाँ पे भी अटेंड कर सकते हो। कल नहीं है पॉलिटी, अभी हम वहाँ पे 2 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं पॉलिटी का, यहाँ पर भी शुरू करेंगे।
कुछ टाइम में आप पॉलिटी वहां से भी पढ़ सकते हो। अनअकैडमी के लर्निंग एजुकेटर ऐप में डाउनलोड कर लो आप, वहां से पॉलिटी कवर कर लो आप, कर सकते हो वहां से। तो वहां पे रिकॉर्डेड क्लास भी है, लाइव क्लास तो चलती है 11 to 12, तो रिकॉर्डेड क्लास से भी आप पढ़ सकते हो। और कोई समस्या है तो बता दीजिए भाई। चलिए, तो जम्मू कश्मीर आप स्टेट देख लीजिए, पंजाब और हिमाचल प्रदेश दो स्टेट लगता है जम्मू कश्मीर से। प्रीवियस लेक्चर वहां मिल सकता है क्या? हाँ, प्रीवियस लेक्चर वहां मिल जाएगा, दो लेक्चर हमने कर लिया है वहां पे, तो दोनों लेक्चर वहां पे अवेलेबल है, आप देख ले। चलिए अब लद्दाख के बारे में जानते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है लद्दाख। अब इसको चलिए हेमिस नेशनल पार्क की बात करते हैं। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपके लद्दाख रीजन में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका हेमिस नेशनल पार्क अभी के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाला रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर लद्दाख ये वाला रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये पार्क जो बनाया गया था 1981 में बनाया गया था हेमिस नेशनल पार्क को। आपको ये जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे है, और ये हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है? तो ईस्टर्न लद्दाख में, जो अभी हमारा यूटी बना दिया गया है, क्योंकि अब देखिए अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को ही यूटी बनाया गया है। इस हिसाब से अभी बहुत ज्यादा आपके इसके हिसाब से जितने भी करंट अफेयर आपके हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। ये सिर्फ ओनली ऐसा नेशनल पार्क है आपके जो है कि नॉर्थ हिमालयाज के नॉर्थ में है, हिमालयाज के आपके नॉर्थ में है। ये इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है, लार्जेस्ट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है ये इंडिया का, और सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिजियस प्रोटेक्टेड एरिया है ये। ये भी ध्यान रखना है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बाद ये सेकेंड ऐसा एरिया है, लार्जेस्ट कॉन्टिजियस आपके सब्जेक्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। चलिए, द पार्क इज होम ऑफ, ये होम की होम किसका है? स्नो लिपर्ड्स का होम है, आप देख सकते हो काफी सुंदर है ये आपके, लेकिन खतरनाक भी है। चलिए, स्नो लिपर्ड का है ये। चलिए अब देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का लोकेशन देख लीजिए, ये है हिमाचल प्रदेश, ये है जम्मू कश्मीर, ये है पंजाब, ये है हरियाणा, और ये है आपके उत्तर प्रदेश और यूपी। तो ये सारे स्टेट लगते हैं आपके हिमाचल प्रदेश से। चलिए हिमाचल प्रदेश देख लीजिए पिन वैली नेशनल पार्क। जो पिन वैली नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? तो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है ये नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, लाहौल एंड स्पीति में, ये ध्यान रखना है। पिन नेशनल पार्क जो है वो बहुत ही एस्टैब्लिश किया गया था कब? 9 जनवरी 1987 को एस्टैब्लिश किया गया था। हिमालयन तार जो एक एनिमल है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, तो आपको याद रखना है हिमालयन तार कहाँ है। तो हिमालयन तार आपके पिन वैली में है, ये याद रखना है, ये है हिमालयन तार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। देखिए ये सारे नेशनल पार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आ जाता है कि ये नेशनल पार्क कहाँ है और ये कहाँ पे सिचुएटेड है। हम चैप्टर के एंड में, अभी हम तीन ही बस स्टेट आज कवर कर रहे हैं, इसके एंड में आपके लिए एमसीक्यू भी है, 10 MCQ है इसके बाद आपके लिए, तो वो 10 MCQ भी आपको रिवाइज कराएगा बहुत सारी चीजें। तो अब बात करते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को एस्टैब्लिश किया गया था 1984 को। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वन ऑफ द इंडियाज नेशनल पार्क है, जो कि लोकेटेड कहाँ है? कुल्लू रीजन में। कुल्लू मनाली जाते हो ना आप सभी घूमने, वहीं पे ये लोकेटेड है, कुल्लू रीजन में लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश स्टेट में। जून 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को ऐड किया गया कहाँ? तो यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया। तो यूनेस्को आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमिटी जो है वो ग्रांट कर दी है स्टेटस पार्क को अंडर द क्राइटेरिया। किस क्राइटेरिया के अंदर इसको ग्रांट किया जाता है स्टेटस? तो आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। तो ये इसके अंदर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन करने के लिए बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी है, मतलब बहुत ज्यादा फ्लोरा एंड फौना है। हमने बात किया था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दो टर्म होते हैं फ्लोरा और दूसरा होता है फना। देखिए फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा से ही समझ में आ रहा है, फ्लावर मतलब आसपास फ्लावर्स वगैरह है और प्लांट्स वगैरह है। और फना की बात करें तो फना हो जाएगा एनिमल्स, तो ये भी याद रखना है कि एनिमल्स हो जाएगा फना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंद्र किला नेशनल पार्क। देखिए इंद्र किला जो नेशनल पार्क है, इंद्र किला है, इंद्र किला नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है आपके हिमाचल प्रदेश में। इंद्र किला जो है वो स्टैब्लिश किया गया था 2010 में, तो ज्यादा पुराना नेशनल पार्क नहीं है, अभी ही इसको स्टैब्लिश किया गया है। और स्नो पार्टिज ये एक तरह का क्या है? बर्ड है जो यहाँ पे पाया जाता है, आप देख सकते हो काफी खूबसूरत बर्ड है ये भी। तो बर्ड्स अब कम नजर आते हैं, पहले ज्यादा नजर आते थे,
तो अभी बर्ड्स बहुत ही कम हो गए कंपैरेटिवली पहले के टाइम में अगर आप देखें तो, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी वजह से। चलिए खीर गंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो खीर गंगा नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में ही। ये भी देखिए न्यूली कंस्ट्रक्ट किया गया है, 2010 में ही इसको स्टैब्लिश किया गया है। चूकर पार्टिस ये जो है वहां का, आप देख सकते हो ये जो बर्ड है वो वहां वहीं पे है आपके खीर गंगा नेशनल पार्क में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए सभी लाइक कर दे लेक्चर को जो जो देख रहे हैं। चलिए सिम्बल बारा नेशनल पार्क। अब सिम्बल बारा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में और जो बॉर्डर है हरियाणा का उसके पास में लोकेटेड है ये। चलिए तो ये पोंटा आपके वैली में है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये। 2010 में ही बनाया गया, आप देख सकते हो ये सारे नेशनल पार्क अभी ही स्टैब्लिश किए गए हैं। और गोरा सांबर और चीतल यहाँ पे कॉमन एनिमल है जो फाउंड रहते हैं या मिलते हैं। देखिए गोरल ये हो गया, सांबर ये हो गया आपका, चीतल ये हो गया, देख सकते हो। तो बस एनिमल सेम ही होते हैं पर्टिकुलरली, लेकिन बस उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछ लेता है इससे रिलेटेड। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके उत्तराखंड की। देख लीजिए उत्तराखंड कहाँ है, तो उत्तराखंड का लोकेशन है ये आपका, लग रहा है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आज हमने जम्मू कश्मीर के बारे में बात किया, लद्दाख रीजन के बारे में बात किया, हिमाचल प्रदेश के बारे में किया और उत्तराखंड। अब ये लास्ट हम बात करें, इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पंजाब रीजन में क्या है, नेशनल पार्क नहीं है इसलिए पंजाब के बारे में हम नहीं देख रहे। और जो स्टेट आपके नॉर्थ इंडिया के बच जाएंगे हम उसको फिर कवर अप कर लेंगे नेक्स्ट में। तो आपके हम यहाँ पे साउथ इंडिया कवर करेंगे सारे जितने नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ इंडिया के नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट है, आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन के नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट है और आपके वेस्टर्न रीजन के, हम सारे एक क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे सारी चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे इम्पोर्टेंट देखिए जो नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है भाई, क्योंकि ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, आजादी से भी पहले इसको स्टैब्लिश किया गया था। आप देखिए इसकी स्टैब्लिशमेंट की डेट है 1947 में हमें आजादी मिली है और इसको 1936 में ही स्टैब्लिश कर दिया गया था। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है कि हेली नेशनल पार्क कौन सा पार्क है, आपके ऑप्शन में दे देगा। तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट का ही दूसरा नाम हेली नेशनल पार्क है। ये प्रोटेक्ट करने के लिए इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर को, इसलिए बनाया गया था इसको, इसे प्रोटेक्ट किया जाता है इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर को। और ये पार्क जो है आपका जो फर्स्ट बार जब प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया था, पंजाब नहीं लगता उत्तराखंड से, तो हाँ तो पंजाब तो नहीं लगता है उत्तराखंड, जैसा बोलेंगे उसी हिसाब से लेक्चर आया करेगा भाई। तो बता देना कि किस तरह से पढ़ना है, आप लोग को डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है या एमसीक्यू पढ़ना है। और पॉलिटी चल रही है 11 to 12, आप वहां से कवर करें पॉलिटी। कल पॉलिटी की क्लास नहीं है, कल हिस्ट्री की क्लास है वहां पे, तो आप 11 to 12 कर सकते हो, वो भी वहां पे आपका रिविजन हो जाएगा क्लासेस में। तो 11 to 12 वहां पे रोज होती है, 7 to 8 तो हम यहाँ मिलते ही हैं। और कल क्लास नहीं है 7 to 8, अब मंडे को मिलेंगे हम, कल आप लोगों की छुट्टी है। नहीं डिस्क्रिप्शन भी जरूरी है, हाँ डिस्क्रिप्शन जरूरी है इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए गोविंद पासु नेशनल पार्क, देखिए गोविंद पासु ये जो है आपके फ्रीडम फाइटर थे गोविंद पासु, इसके नाम पे रखा गया है गोविंद पासु नेशनल पार्क। एस्टैब्लिश किया गया था इनिशियली एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1992-90 में। और गोविंद पशु आपके बिहार को नेशनल पार्क को इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क बना दिया गया उत्तराखंड का। और ये जो है ये प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर पॉलिटिशियन गोविंद वल्लभ पंत के नाम पे रखा गया है गोविंद पासु नेशनल पार्क। देखिए जो आपके स्पेसिफिकली फ्रीडम फाइटर वगैरह के जो भी नाम पे रखे गए हैं नेशनल पार्क, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। और ये जरूरी नहीं है कि आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हाँ भाई सही है। देखिए ये जो प्लेस है यहाँ पे विच द इंडियन गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड, यही प्लेस में इंडियन गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया था स्नो लियोपर्ड प्रोजेक्ट। आप देख सकते हो स्नो लियोपर्ड ऐसा नजर आता है देखने में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये 1936 में शुरू हुआ था।
देखिए जो लोग अभी नए नए जुड़ रहे हैं लाइक करते चलिए, और क्लास जो हमारी होती है वो 7 to 8 यहाँ पे रोज होती है, कल क्लास नहीं होगी, और 11 to 12 मॉर्निंग में क्लास होती है, तो आप सभी वो क्लास जरूर अटेंड करें, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जिसके दो लेक्चर छूट गए हैं, अभी वहाँ पे दो लेक्चर हमारा हो गया है, तो जो दो लेक्चर आपके छूट गए हैं आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो वहाँ पे। चलिए, ये जो आपके गंगोत्री है, गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1989 में गंगोत्री नेशनल पार्क को स्टैब्लिश किया गया था। और ये गंगोत्री नेशनल पार्क जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है, और ये फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ये फर्स्ट लार्जेस्ट नेशनल पार्क आपको खोज के बताना है कि क्या है नेशनल पार्क। फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, और ये गंगोत्री नेशनल पार्क भी स्नो लिपर्ड का होम है। आप देख सकते हो स्नो लिपर्ड ऐसा है, दिखता है देखने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। अब ये वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में ही है। वैली ऑफ नेशनल आपका वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। ये एंडेमिक, एंडेमिक मतलब होता है एक ही जगह पे जो चीजें पाए जाना, तो एंडेमिक आपका है एल्पाइन फ्लावर का एंड द वैरायटी ऑफ फ्लोरा। यहाँ वैरायटी बहुत सारे फ्लोरा अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। फ्लोरा भी हमने बताया, फ्लावर्स वगैरह हो गए, फ्लावर्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फना हो गया आपका एनिमल्स। नंदा देवी नेशनल पार्क रिजर्व जो है वो आपका यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है, ठीक है। और ये डेंसिटी ऑफ वाइल्ड एनिमल इन द वैली इज नॉट हाई, मतलब डेंसिटी मतलब ये हो गया एरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो जो हर एक एरिया में इतने ज्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है इस वैली के अंदर, इस आपके वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के अंदर। जो एनिमल्स बहुत ही रेयर हैं, बहुत जो बहुत कम जगह पाए जाते हैं, और जो इंडेंजर्ड हैं, जो आपके जो खत्म होने वाले हैं ये सब, हाँ तो जी जो खत्म होने वाले हैं, तो ये सब जो एनिमल जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। रेड जाइंट फ्लाइंग स्क्वायरल आपके देख सकते हैं, रेड जाइंट फ्लाइंग स्क्वायरल ऐसा होता है, आप देख सकते हैं ये फ्लावर की वैली यहाँ ज्यादा है। हाँ सही, देखिए रेड जाइंट देखिए देख सकते हैं फ्लाइंग स्क्वायरल, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा कि ऐसा भी होता है स्क्वायरल, जो गिलहरी नजर आती है वो उड़ती भी है, देख सकते हैं उड़ने वाली गिलहरी है। काफी इंटरेस्टिंग टाइप की प्रजाति भी हमारे इंडिया में रहती है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, समझ में आ रहा है आप लोग। बहुत सारी ऐसी प्रजाति है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, तो आप जब इन सब जब नेशनल पार्क के बारे में सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने सारे रेयर एनिमल है और कितने तरह के एनिमल है जो अवेलेबल है आपके इंडिया में और जिसके बारे में हम सबको नहीं पता है। हिमालयन ब्लैक डियर देख सकते हो, हिमालयन ब्लैक डियर आपका ये हो गया, और आपके फॉक्स रेड फॉक्स भी यहाँ पे मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क। देखिए ये जो स्टैब्लिश किया गया था 1982 में स्टैब्लिश किया गया था नंदा देवी नेशनल पार्क को, और नंदा देवी नेशनल पार्क या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नंदा देवी कहाँ सिचुएटेड है, तो ये पिक ऑफ नंदा देवी स्टेट कहाँ है, तो उत्तराखंड में सिचुएटेड है। नेशनल ये नेशनल पार्क जो था इसको इंस्क्राइब्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। कब दिया गया है, तो 1988 में दिया गया है, आपको याद रखना है इस चीज को। इट वॉज लेटर एक्सपेंडेड एज इसका नाम बाद में चेंज करके इसका नाम बढ़ा दिया गया इसका नाम और इसका नाम रख दिया गया। हाँ बताएंगे भाई यूपी के नेशनल पार्क के बारे में। अब जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें यूपी के नेशनल पार्क हो गया और आपका जो स्टेट बच गया है आपके, आपका अभी जो नॉर्दर्न स्टेट में जो स्टेट बच जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे, यूपी के बारे में बात करेंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में यूपी के बारे में ही बात होगी। चलिए यहाँ पे स्नो लिपर्ड है और ब्राउन बियर है, आप स्नो लिपर्ड देख सकते हैं ये है और ब्राउन बियर ये है। अब देखिए इसका नाम एक्सपेंड करके क्या रखा गया, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इन 2005, जिसके बारे में हमने पढ़ा है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, तो इन दोनों को ही एक साथ करके एक्सपैंड कर दिया गया। नंदा देवी नेशनल पार्क का नाम ही नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए राजा जी नेशनल पार्क। अगर राजा जी नेशनल पार्क की बात करें तो 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है राजा जी नेशनल पार्क, उत्तराखंड के ही 3 डिस्ट्रिक्ट में, हरिद्वार, देहरादून, पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये नेशनल पार्क फैला हुआ है। 1983 में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इन इस एरिया में आपका। हाँ तो जो 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, हमने अभी बात की है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। मैम यूपीएससी में बहुत पूछता है नेशनल पार्क के बारे में, सारे एग्जाम में पूछता है सौरभ बसु, क्या होता है यूपीएससी में नेशनल पार्क में क्या होता है,
कि वहां पे एक स्टेटमेंट रहेगा, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, वहां पे कुछ स्टेटमेंट दे देगा कि इससे रिलेटेड क्या चीजें हैं। आपको कुछ स्टेटमेंट आ जाएगा कि ऐसे पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, या ऐसे कौन से नेशनल पार्क को 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के एक नेशनल पार्क बना दिया गया। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, और आपके और किसी एग्जाम में क्या डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि हाँ भाई ये नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, लेकिन एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है किसी भी एग्जाम में कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इसलिए नेशनल पार्क का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, नेशनल पार्क जरूर पढ़े अच्छे से। देखिए इसका जो ये जो 1983 में क्या किया गया, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए चिल्ला, मोतीचूर और राजा जी, ये तीनों सेंचुरी को मर्ज करके एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया, आपका राजा जी नेशनल पार्क, एक पार्क बना दिया गया राजा जी नेशनल पार्क के नाम से, और इनका नाम रखा गया किसके नाम पे, तो राजा जी नेशनल पार्क का नेम रखा गया श्री राजगोपालचारी इनके नाम पे रखा गया, जो प्रोमिनेंट लीडर भी थे आपके फ्रीडम स्ट्रगल में, लड़ाई जो हुआ था हमारे देश को जो आजादी मिला था उसके स्ट्रगल में ये प्रोमिनेंट लीडर थे, और सेकेंड एंड लास्ट गवर्नर जनरल थे ये इंडिपेंडेंट इंडिया के, ये भी याद रखना है आपको। और इसको ये पहले ऐसे आदमी थे जिनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी मिला है 1954 में। तो ये आपको ये फैक्ट है, ये याद रखना है, ये राजा जी नेशनल पार्क बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के नाम पे इनका क्या कहा गया, इनका नामकरण किया गया है राजा जी नेशनल पार्क का, सी राजगोपालाचारी के नाम पे रखा गया है। फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल थे ये, फ्रीडम स्ट्रगल के इन्होंने हिस्सा लिया था, एक प्रोमिनेंट लीडर थे, लास्ट आपके गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और फर्स्ट रिसिपिएंट थे किस चीज के, तो आपके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको जो मिला था भारत रत्न मिला था। यहाँ पे एलिफेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है, आप देख सकते हैं एलिफेंट, यहाँ पे एलिफेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन शुरू हो गया आपका, तो क्वेश्चन हाँ चलिए क्वेश्चन सही है, हाँ जी सही है, चलिए तो आपका क्वेश्चन अब शुरू हो गया, आपके क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच स्टेट दाचीगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, बताइए किस राज्य में दाचीगम वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो बता दीजिए भाई कहाँ स्थित है ये दाचीगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ स्थित है फटाफट बता दें, सभी बता दें, लाइक करते चले सभी जो पहली बार जुड़ रहे हैं, लाइक करते चले, 7 to 8 हमारी क्लास होती है यहाँ पे, और मॉर्निंग में 11 to 12 चलती है ऐप पे, कल 7 to 8 क्लास ऑफ रहेगी, मंडे को हम फिर मिलेंगे। अच्छा दिवाकर बोल रहे हैं सी, ठीक है, और अंजलि भी बोल रही है सी, नवीन बोल रहे हैं जेके, चलिए और सभी बताएं आंसर, कमलेश बोल रहे हैं सी, और बताएं सभी फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जो पहली बार जुड़ रहे हैं लाइक करते चले लेक्चर को, सभी लाइक कर दें लेक्चर को, चलिए बताइए भाई सभी बताएं इसका आंसर, काफी सारे लोग देख रहे हैं, शशिकांत भी बोल रहे हैं सी है, और लोग भी बताएं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन आंसर कम लोगों का आ रहा है, फटाफट सभी बता दें उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए सभी, प्रभाकर सी सही है, और बताएं सभी, चलिए प्रतिभा बोल रही है सी है, चलिए और बताइए दाचीगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, फिर बढ़ेंगे आगे, अभी बात किया है इसके बारे में बहुत ही ब्रीफली, तो दाचीगम है जम्मू कश्मीर में, सही बताया है, जिसका भी आंसर जे एन के है वो सही है, देखिए दाचीगम है आपका कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दाचीगम क्या है, तो 10 लोगों को हटा के नया एक नेशनल पार्क बनाया गया था जगह पे, तो उसी लिए दाचीगम रखा गया उनके ही याद में, क्योंकि 10 लोगों को हटा 10 विलेजेस को हटा के दाचीगम को स्टैब्लिश किया गया था, इनको अपग्रेड कर दिया गया 1981 में एज ए नेशनल पार्क, और द हंगूल स्पाइसेस जो है यहाँ मिलते हैं, स्पेसिस मिलते हैं, जिसको कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं, ये है जिसने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए डिस्क्रिप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच नेशनल पार्क स्टैब्लिश इन 1936 वॉज इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क, तो बताइए 1936 में जो नेशनल पार्क का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, हाँ भाई हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, सही है, कल बात करेंगे हम, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हरियाणा के बारे में भी, वहां के भी नेशनल पार्क कवर अप करेंगे और यूपी के भी करेंगे नेशनल पार्क, बता दीजिए इसका आंसर, बता दीजिए, जिम कॉर्बेट बता रहे हैं, देवेंद्र प्रताप, दिवाकर डी,
चलिए, सबका आंसर सही आ रहा है, बताइए और बताएं, सभी आंसर बताएं, फिर बढ़ेंगे आगे। तो यही बता दें कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, किस जगह पे है, और गिर नेशनल पार्क कहाँ है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, और जिम कॉर्बेट तो हम पूछ ही रहे हैं, जिम कॉर्बेट कहाँ है बताना ही है आप सभी को, तो चारों ही बताना है आपको। चलिए बता दीजिए कहाँ है कौन सा नेशनल पार्क, चलिए सभी दें इसका आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं। इन चारों चारों जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इनका नेशनल पार्क का लोकेशन बता दें, सभी बताएं, फिर डिस्कस करेंगे, बता दें सभी। चलिए पहला है एमपी बोल रही है, गिर गुजरात, ठीक है, सौरभ पसंद दुधवा बोल रहे हैं यूपी, अंजलि गिर गुजरात, बहुत बढ़िया, सभी दें इसका आंसर, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए देख लेते हैं, बांधवगढ़ कहाँ है, तो एमपी, ये एमपी में है। गिर कहाँ, तो गिर से ही याद रखना है, गुजरात, गिर से गुजरात याद रखना है भाई। दुधवा है आपका यूपी में, यूके नहीं है, उत्तराखंड नहीं है, यूपी है, ये याद रखना है। जिम कॉर्बेट हो जाएगा यूके, ये सारे नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बांधवगढ़ हरियाणा में नहीं है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़, याद रखना है भाई, हरियाणा में नहीं है, अपडेट कर ले, कोई बात नहीं, अपडेट कर ले देवेंद्र जी, बांधवगढ़ हरियाणा नहीं, एमपी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नेशनल पार्क इन इंडिया इज फेमस एज इट इज द लास्ट रिफ्यूजी ऑफ इंडेंजर्ड एशियाटिक लायंस, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है क्योंकि यह लुप्त प्राय एशियाई शेरों को अंतिम शरण स्थली है, अंतिम शरण स्थली देता है, आप ऐसे समझ सकते हो, हिंदी में थोड़ा चेंज हो जाता है। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क पूछ रहा है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट है, या गिर नेशनल पार्क है, तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है, सभी बता दें इसका आंसर, चलिए सभी बता दें, सबका फोर आंसर आ रहा है, अभी देखेंगे। इंडेंजर्ड एशियाटिक लायन का फेमस जगह कहाँ है जहां पे इनको रखा गया है, साथ में ये बताएं कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, सभी बताएं कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, चलिए बताएं। चलिए बता दें, आकांक्षा भी आ गई है, हेलो आकांक्षा, क्लास लगता है अभी आपकी ओवर हुई है, आप अभी आई हैं, 7:35 पे आप आती हैं, 7:35 7:38 पे इंतजार कर रहे थे हम आपका कि आप कब आएंगी। चलिए सभी बता दें, सही है, काजीरंगा असम में है, हाँ हाँ भाई, चलिए अब तो आप लोग को याद हो जाएगा, बांधवगढ़ हो गया कहाँ, आपका एमपी में हो गया, काजीरंगा असम में, जिम कॉर्बेट कहाँ हो गया, गुजरात में, जिम कॉर्बेट कहाँ हो गया, यूके में, गुजरात नहीं, यूके में, उत्तराखंड में, और गिर कहाँ हो गया, गुजरात, तो गिर से गुजरात याद रखना है भाई। चलिए तो इसका आंसर देख लीजिए, गिर नेशनल पार्क है इसका आंसर, जिसका भी आंसर गिर नेशनल पार्क है वो सही है, तो इसका आंसर गिर है, भूलना नहीं है भाई, सबका गलत हो गया शायद, सारे लोगों ने गलत नहीं, नहीं सब लोगों ने सही दिया आंसर, गिर बोला है सही, काजीरंगा असम, हाँ, प्रभाकर 3 नहीं होगा, 4 होगा, देख लीजिए 4 है, गिर है, गिर नेशनल पार्क है जो इंडेंजर्ड एशियाटिक लायन का लास्ट रिफ्यूजी जगह है, लास्ट जगह है ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है आपका, वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क गिर आता नेशनल पार्क है, सबसे ओल्डेस्ट बात करेंगे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, इसको हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं, तो याद रखना है, और इट्स सिचुएटेड कहाँ है, गुजरात में, ये लायन के साथ साथ और भी सारे एनिमल्स होते हैं यहाँ पे, लेपर्ड हो गए, मगर, क्रोकोडाइल, ये सब भी एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं। प्रिंस बोल रहे हैं हाय, देखिए 7 बजे क्लास होती है, सभी टाइम पे आया करें, 7:40 पे आ रहे हैं आप सभी, क्लास 7 बजे ही शुरू हो जाती है, मॉर्निंग में क्लास चलती है 11 to 12, वो भी अटेंड किया करें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे क्लास चलती है वो, हाँ, ओल्डेस्ट इज जिम, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट तो जिम ही है, ओके, इसको हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है जिम को। चलिए विच नेशनल पार्क इन इंडिया बिकम द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, आपको ये बताना है कि विच नेशनल पार्क, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पहला आपका टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, बताइए भाई, 1936 में स्टैब्लिश हुआ था, हाँ भाई 1936 में स्टैब्लिश हुआ था, आजादी से भी पहले स्टैब्लिश हुआ था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखना है,
और जिम कॉर्बेट से नहीं पूछेगा, आप पूछेगा हेली नेशनल पार्क क्या हो, कहाँ पे स्थित है, तो याद रखना है जिम कॉर्बेट और हेली एक ही जगह का नाम है। चलिए सभी आंसर दे दें इसका। फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, बता दें सभी, सभी आंसर दें, फिर आगे बढ़ेंगे। और लाइक करते चले जो भी नए जुड़ रहे हैं, लेक्चर लाइक करते चले जो भी नए जुड़ रहे हैं, लेक्चर लाइक कर दें भाई। चलिए आंसर दे दें फिर बढ़ेंगे आगे, इंतजार कर रहे हैं मैं आपके आंसर का। इजी क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट। हाँ अच्छा, फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, सभी बताएं। सही है, जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट है फर्स्ट टाइगर रिजर्व। और प्रोजेक्ट जो टाइगर रिजर्व था, प्रोजेक्ट को बचाने के लिए, देखिए प्रोजेक्ट को आपके टाइगर को बचाने के लिए, क्योंकि टाइगर जो है बहुत कम अब बच गए हैं हमारे हमारे दुनिया में, तो टाइगर को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने 1973 में एक आपका प्रोजेक्ट लॉन्च किया था टाइगर को बचाने के लिए। और 1975 जस्ट 2 साल बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा क्या लगाया गया था, इमरजेंसी लगाया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि इमरजेंसी कब लगाया गया था, तो 1975 में लगाया गया था इमरजेंसी। जिसका भी आंसर डी है, आंसर सही है, जिम कॉर्बेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नेशनल पार्क इन इंडिया कंटेन द लार्जेस्ट मार्स लैंड इन द वर्ल्ड, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया का सबसे बड़ा दलदली भूमि है, दुनिया का सबसे बड़ा दलदली भूमि कहाँ पर है आपको बताना है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में। पहला है आपका कीबुल लामजो नेशनल पार्क, दूसरा है रॉयल चितवन नेशनल पार्क, तीसरा है सुंदरवन नेशनल पार्क, चौथा है मानस नेशनल पार्क। चलिए सभी बता दें इसका आंसर, बताएं। इंडिया कंटेन्स द लार्जेस्ट मार्स लैंड इन द वर्ल्ड, विच नेशनल पार्क, बताइए भाई सभी बताएं। चलिए सभी बता दें इसका आंसर, बहुत लोगों ने आंसर दिया है, सभी लाइक कर दें, जो भी इस लेक्चर में पहली बार देख रहे हैं लाइक करते चलें। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए। चलिए सभी आंसर दे दें। ठीक है, सुंदरवन नेशनल पार्क है इसका आंसर, जिसका भी आंसर सुंदरवन नेशनल पार्क है सही है। देखिए अब बात करते हैं केबुल लामजो नेशनल पार्क, बताइए कहाँ स्थित है केबुल लामजो नेशनल, फटाफट बता दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। केबुल लामजो कहाँ है, रॉयल चितवन नेशनल पार्क कहाँ है, सभी बताएं। अब मानस नेशनल पार्क कहाँ है, सभी बता दें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। बता दें केबुल कहाँ है, रॉयल कहाँ है। हाँ लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का, सही है सही है, लार्जेस्ट डेल्टा। अच्छा केबुल कहाँ है बताइए सभी, केबुल बता रहे हैं सभी, कहाँ है, मणिपुर बता रहे हैं केबुल, देखते हैं अभी मणिपुर है कि नहीं है। रॉयल चितवन बताइए भाई कहाँ है, रॉयल चितवन बताइए सभी कहाँ है, रॉयल चितवन। और आपका मानस कहाँ है, ये तो समझ में आ ही गया कि वेस्ट बंगाल में, मानस कहाँ है, मानस एमपी में, अभी देखते हैं मानस कहाँ है, कुशलवसम भी बता रहे हैं, और रॉयल चितवन बताइए कहाँ है, इंडिया में ही है या इंडिया के बाहर है। अच्छा और सही बताएं रॉयल चितवन कहाँ है, सभी बता दें आंसर। फर्स्ट है असम, दिवाकर बोल रहे हैं, आकांक्षा बोल रही है मानस असम में है, सही देखते हैं मानस असम में है या नहीं। रॉयल चितवन कुछ लोग बोल रहे हैं नेपाल में है, चलिए बताइए फिर देखते हैं। हाँ सही है, देखिए रॉयल चितवन नेशनल पार्क आपके नेपाल में है, रॉयल चितवन नेशनल पार्क। केबुल लामजो नेशनल पार्क कहाँ है, मणिपुर में है केबुल लामजो नेशनल पार्क। अब मानस नेशनल पार्क आपके असम में है। देखिए मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन डाल दिए हैं इसमें ताकि आप लोगों को बोरियत ना लगे कि 4-5 चीजें हमने डिस्कस की है उसके इर्द गिर्द ही सारा सेशन घूम रहा है, ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। और फिर जब हम इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर लेंगे अभी अपने आने वाले कमिंग लेक्चर में। अभी केबुल लामजो नेशनल पार्क जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ ओनली नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड में। बहुत बड़ी खासियत है इसकी कि ओनली नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड में, जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। आप समझ पा रहे हो, आपके ये लोकतक लेक में है, ये लोकतक लेक का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये आपका केबुल लामजो नेशनल पार्क। ये चारों बगल पानी है और बीच में ये नेशनल पार्क है, तो ये बहुत ही खूबसूरत भी है। तो आप कभी जाओ तो जरूर देखना असम में केबुल लामजो नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इन विच इंडिया इंडियन स्टेट कैन बी फाइंड द बांदीपुर नेशनल पार्क,
बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? असम में, केरला में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में? तो बताइए बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? चलिए बताइए, सही बता दे, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? इन विच इंडियन स्टेट कैन यू फाइंड द बांदीपुर नेशनल पार्क? कर्नाटका बता रहे हैं लोग, सभी बताएं इसका आंसर। सभी बता दें बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? चलिए सही है, कर्नाटका। कर्नाटका में है बांदीपुर नेशनल पार्क, वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेशनल पार्क है ये। इसमें एलिफेंट्स पाए जाते हैं। कई बार इस बारे में इश्यू भी होता है कर्नाटका में कि क्या कि ट्रांसग्रेशन हो रहा है, मतलब कि एनिमल्स जो है वो आपके कहाँ आ रहे हैं, इस एरिया में आ रहे हैं, हमारे एरिया में आ रहे हैं, हमारे जो एरिया है जहाँ हम रहते हैं, ह्यूमंस जहाँ रहते हैं वहां पे आ रहे हैं एनिमल्स। तो इस बारे में बहुत ज्यादा क्या होता है कई बार कि ये बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं, जबकि देखिए एरिया एनिमल्स का ही था वो सारा। अगर आप देखोगे तो जो एरिया है बांदीपुर नेशनल पार्क जो है, तो देखिए और सारा जो एरिया जहाँ कर्नाटका में लोग भी जहाँ पे रहना शुरू किए हैं, पहले वो कहीं ना कहीं जंगल था, वो था एलिफेंट्स लोगों का क्या बसेरा था वो सारा जंगल। लेकिन क्या हुआ, लोगों को अपनी जगह रहना था, लोगों को जगह चाहिए थी अपना घर बनाने के लिए, तो क्या किया, ब्रूटली सब चीजों को काटा गया, हटाया गया, फॉरेस्ट का भी पूरा खात्मा किया गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एनिमल्स को अपना जगह ही उनका कम हो गया, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। तो इस वजह से क्या होता है, कभी कभी वो हमारे एरिया में भी आ जाते हैं, क्योंकि कभी ना कभी ये एरिया उनके एरिया से बिलोंग करता था। तो ये काफी ज्यादा आपका ह्यूमन और एनिमल के इशू से, ह्यूमन एनिमल जो इशू है ये भी काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है साउथ इंडियन स्टेट में। बेसिकली यहाँ पे एलिफेंट्स पाए जाते हैं, जो कि काफी बार उनकी क्या मर जाते हैं वो, कभी बार कई बार उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लोग उनको एक्सीडेंट करके भी मार देते हैं, मारते नहीं है, जान मुझके नहीं मारते, बस कि सामने आ गया। फिर जैसे कि अपने अपने खेत को बचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वायर का यूज करते हैं, उसमें भी कई बार एलिफेंट क्या होते हैं, फंस के मर जाते हैं। तो ये सब चीजें होती है। चलिए, इन विच स्टेट बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज फाउंड? शायद अभी पूछा है ये क्वेश्चन, तो कर्नाटका होगा इसका आंसर, तो सॉरी नहीं, ये तो नहीं पूछा है बांधवगढ़, नहीं पूछा है अभी, कौन सा पूछा था, बांदीपुर पूछा था, बांदीपुर पूछा था, ये है बांधवगढ़, बता दिया है इसका आंसर। चलिए बता दीजिए, फिर भी ये कंफ्यूज नहीं होना है बांदीपुर और बांधवगढ़ में, बांधवगढ़ कहाँ है तो आपका बताइए कहाँ है, फिर बात करते हैं। चलिए फटाफट सही बताएं, सभी लाइक करते चले लेक्चर को, सभी लाइक करते हैं, जो लोग नए जुड़े हैं लाइक करते हैं। 7 to 8 क्लास होती है, क्लास में लेट ना करें आने में, 7 to 8, और सुबह भी जल्दी है 11 से 12, कल ऑफ है क्लास, कल नहीं मिलेंगे क्लास में, परसों से मिलेंगे फिर। सौरभ परसों बोल रहे कर्नाटका, बांधवगढ़ कर्नाटका में नहीं है भाई। चलिए देखते हैं अभी कहाँ है, सभी का आंसर सही है जिसने मध्य प्रदेश दिया है, मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो याद रखना है बांधवगढ़ नेशनल पार्क वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइनेस्ट नेशनल पार्क में है, हाँ एमपी में है, सही 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 कर लें, अपने आप को अपडेट कर लें भाई, एमपी में है। वन ऑफ द फेवरेबल प्लेस है टाइगर, जो वाइल्ड टाइगर जो मिलते हैं इनका क्या है फेवरेट प्लेस है ये, और रिजर्व जो है लास्ट रिफ्यूजी ऑफ वाइट टाइगर। वाइट टाइगर जैसा आपको पता होगा कि विलुप्त हो गए हैं, बहुत कम बचे हैं ये, अगर आप देखोगे वाइल्डनेस। नवीन बोल रहे हैं सॉरी साहे, सॉरी काहे बोल रहे हैं भैया, क्या हो गया, कोई बात नहीं। चलिए देखिए वाइल्डनेस का मतलब है इनका जहाँ पे रहने का जगह है, जहाँ पे ये बेसिकली इनका बसेरा था वहां पे क्या हो गए, डिसअपेयर हो गए हैं, इनको आप प्रिजर्व करके कंजर्व करके रखा जा रहा है कहीं और जगह पे। तो लास्ट रिफ्यूजी जो है व्हाइट टाइगर का, वो भी आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही है, ये आपको याद रखना है, ये एमपी में है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बिल्कुल नहीं भूलना है बांधवगढ़ और बांधीपुर, बांधी हो गया कर्नाटका में, ठीक है, बांधी हो गया कर्नाटका में, कुछ भी बना लो, कुछ भी आप वो बना लो, मनीमोनिक बना लो, ओके। चलिए ऐसे बना सकते हो, बंधुआ मजदूर पे क्या था कर लगाया जाता था, तो बंधुआ से बांधी हो गया बांदीपुर, बांदीपुर से हो गया कर से कर्नाटका, तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इन फेमस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन राजस्थान हैड नो टाइगर्स इन वाइल्ड एट द बिगनिंग ऑफ 21st सेंचुरी? राजस्थान में किस कुख्यात राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य में 21वीं सदी की शुरुआत में कोई बाघ नहीं था? यहाँ कोई बाघ नहीं था, बताना है कहाँ नहीं था, हजारी बाग नेशनल पार्क, श्रीयस्का नेशनल पार्क,
इंद्रावती नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तो बताइए चारों में से कहां पे नहीं था। जो भी आ रहे हैं लाइक करते जाइए, लेक्चर को लाइक करते रहिए, सही बताएं। अच्छा जी, साथ साथ ये भी बता दें कौन कहाँ पे सिचुएटेड है। हजारीबाग कहाँ है, सिरिस्का कहाँ है, इंद्रावती कहाँ है और बांधवगढ़ कहाँ पे है, सभी बताएं। नो आइडिया, चलिए कोई बात नहीं। हजारीबाग कहाँ सिचुएटेड है बताएं सभी। चलिए हजारीबाग बता दें कहाँ सिचुएटेड है। चलिए सर्च कीजिएगा ये सब कहाँ पे सिचुएटेड है, बात करेंगे इसके बारे में जब डिस्कस करेंगे। तो जिसका भी आंसर है श्रीयस्का नेशनल पार्क वो सही हो जाएगा। तो श्रीयस्का नेशनल पार्क जो है वो टाइगर रिजर्व आपका क्या, एंड टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में है ये, और ये टाइगर रिजर्व है ड्यू टू एक्सेसिव पोचिंग। पोचिंग मतलब क्या हुआ कि जब जानवरों का को मारना, ठीक है, हंटिंग करना, उनको मारने की वजह से क्या हुआ, ऑल टाइगर इन टाइगर जो थे इस पार्क में क्या हो गए, मारे गए टाइगर इस पार्क में। After the new program were started, अब नया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, देखिए यहाँ पे टाइगर खत्म हो गए, फिर नया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया और सम टाइगर रिलोकेट किया गया, कहाँ से, तो बांधवगढ़ से, आपके एमपी के बांधवगढ़ से और आपके रणथंबोर राजस्थान, ठीक है, श्रीयस्का में यहाँ पे लाए गए यहाँ से टाइगर। तो ये भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ भाई श्रीयस्का राजस्थान में है, सही है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच इंडियन स्टेट कैन वी फाइंड द रणथंबोर नेशनल पार्क। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान हमें किस राज्य में मिल सकता है, मिल जाता है, बताइए कहाँ मिलता है, असम, गुजरात, राजस्थान और यूपी, बताना है भाई, बता दो। असम है, गुजरात है, राजस्थान है और यूपी में है, रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ है, चलिए बता दे कहाँ पर है रणथंबोर नेशनल पार्क। चलिए सभी का आंसर आ रहा है राजस्थान, और भी कोई है तो दे दीजिए आंसर, जो भी नए आ रहे हैं। चलिए लाइक करते चलिए वीडियो को, आप लोग को अच्छा तो लग रहा है ना वीडियो, कहीं ऐसा ना लगे कि भाई अच्छा नहीं लग रहा वीडियो। क्लास होती है 7 to 8, बता दीजिए ऐसे ही पढ़ना है या फिर सिर्फ एमसीक्यू लेकर के आए। ये क्लास अच्छी लग रही है, ऐसा ही नेक्स्ट आपका नेशनल पार्क का क्लास लेके आऊं या फिर एक एमसीक्यू बना के लेके आऊं, जैसा बोलोगे जैसा पढ़ना चाहते हो वैसा ही रहेगा या फिर मिक्स रहेगा दोनों, बता देना भाई, जैसा पसंद है वैसा किया जाएगा। चलिए यही सही लग रहा है, मतलब ऐसा ही लाया जाएगा नेक्स्ट क्लास भी फिर आपके लिए। कल छुट्टी है, कल नहीं होगी, कल 7 to 8 क्लास नहीं है, परसों मिलेंगे हम 10 to 11, ओके। तो परसों मिलेंगे, सॉरी परसों मिलेंगे 7 to 8 और मॉर्निंग में कल क्लास होगी 10 to 11 आपके। हाँ दिवाकर बोल रहे इसी तरह, सही है मैम, ठीक है, तो इसी तरह करेंगे। बस आप लोग अटेंड किया कीजिए क्लास को और लेक्चर को लाइक कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए, इतना तो कर ही दिया कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आ जाया कीजिए बस क्लास में, क्योंकि क्लास नहीं आएंगे तो फिर इंटरैक्टिव नहीं होगी, मजा नहीं आएगा, आप सब नहीं रहेंगे तो। हाँ आकांक्षा, मिक्स ही लाएंगे फिर क्वेश्चन, तो आप सभी क्लास अटेंड कर लिया करें और जवाब देते रहा करें, जैसे अभी आप लोग सभी दे रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है क्लास में, तो क्लास काफी इंटरेस्टिंग मुझे भी लग रही है, शायद आप लोग को भी लग रहा होगा कि टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो क्लास में आप लोग को भी मजा आ रहा होगा शायद, मेरे हिसाब से तो बता सकते हैं। नहीं आ रहा है किसी को तो कुछ गिला शिकवा है तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। रणथंबोर नेशनल पार्क जिसने भी बताया है राजस्थान में है वो सही है, रणथंबोर नेशनल पार्क है राजस्थान में। चलिए रणथंबोर जो है पाइन नेशनल पार्क है जो सेंट्रल रीजन राजस्थान में लोकेटेड है, टाइगर रिजर्व की वजह से फेमस है और आपके इसमें यहाँ पे कई सारी टाइगर डॉक्यूमेंट्रीज भी शूट की गई है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, विच नेशनल पार्क इन इंडिया कंटेन्स द टॉलेस्ट माउंटेन इन इंडिया। देखिए इसका तो आंसर शायद किसी का गलत नहीं होगा, हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, दूसरा है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, तीसरा है कंचन आपके कंचनजंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर नंदा देवी नेशनल पार्क। आपको बताना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचे पर्वत के पास है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत उस राष्ट्रीय उद्यान में है, आपको बताना है। चलिए बता दीजिए, हेमिस बता रहे हैं सभी, देखते हैं इसका आंसर क्या है, सभी बता दें इसका आंसर क्या है। चलिए भाई सभी बता दें, शायद आज का ये अंतिम ही सवाल है, चलिए बता दें, सही सही बताएं, साथ साथ लोकेशन भी बता दें कहां पर है ये।
हेमिस बताएं कहाँ है, कमेंट करें हेमिस कहाँ है। चलिए कमेंट करके बताएं, अभी बात किया है ना हमें कि हेमिस कहाँ है बता दीजिए, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ है बता दीजिए, और आपके कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है वो बता दीजिए, और नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है वो भी बता दीजिए। चलिए हेमिस लद्दाख में बता रही, हेमिस अभी हमने डिस्कस किया है, अभी हमने डिस्कस किया है हेमिस के बारे में, हेमिस कैसे गलत कर सकती हैं आप। चलिए नंदा देवी उत्तराखंड, अच्छा ठीक है, चलिए सही है। देखिए ये हो गया जेएनके में हेमिस, हेमिस है जेएनके में, अभी डिस्कस किया है हमने। वैली ऑफ नेशनल पार्क कहाँ है बताइए भैया, यूके में है वैली ऑफ नेशनल पार्क, ये कहाँ पे हो गया तो ये हो जाएगा सिक्किम में, और नंदा देवी भी हो जाएगा यूके में, और इसका आंसर है ऑप्शन थ्री। चलिए टू नहीं है इसका आंसर, थ्री है नेशनल, आप थ्री है इसका आंसर, देख लीजिए। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नेशनल पार्क इसको माना जाता है, सिचुएटेड है सिक्किम रीजन में, माउंट कंचनजंगा है यहाँ पे, ठीक है, जो टॉलेस्ट माउंटेन माना जाता है इंडिया में, और थर्ड लार्जेस्ट पीक है ये वर्ल्ड का, ये भी आपको याद रखना है साथ में। चलिए आज का तो सेशन यही समाप्त हो गया, देख लेते हैं अभी तक हमने क्या सारी चीजें डिस्कस की है, जो अभी लोग लास्ट में जुड़े हैं ये उनके लिए हो जाएगा थोड़ा सा, थोड़ा इनका हेल्प हो जाएगा। तो देख लीजिए आज हमने तीन जगह अपना तीन चीजें कवर की है, देख लीजिए पहले हमने बात किया था नेशनल पार्क क्या क्या होता है, तो नेशनल पार्क को नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क बन सकता है। नेशनल पार्क हाईली प्रोटेक्टेड एरिया होती है, ग्रेजिंग यहाँ अलाउड नहीं होता है, आप किसी भी जानवर को ले जाके वहां चरा नहीं सकते, और पर्टिकुलर स्पेसिस के लिए नहीं क्रिएट किया जाता है, नॉट क्रिएटेड फॉर पर्टिकुलर स्पेसिस, बट बहुत सारे स्पेसिस होते हैं यहाँ पे, और प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा होता है। नेशनल एरिया के अंदर अगर आपका कोई भी लैंड है तो वो आपको गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट उसके लिए मुआवजा आपको दे सकती है, गवर्नमेंट इतना ही कर सकती है आपके लिए। फिर हमने नेक्स्ट बात किया था जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड का, और लद्दाख रीजन का, चार स्टेट आज हमने कवर किया है, दो यूटी है इसमें, दो स्टेट है। तो देख लीजिए पहला हमने जम्मू कश्मीर के बारे में बात किया था, जहां हमने सलीम अली नेशनल पार्क के बारे में बात किया था, जहां हमने ये देखा था कि सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में इस और सलीम अली के नाम पे रखा गया है इस नेशनल पार्क का नाम, और ये जो है पार्क ये आपके इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट थे सलीम अली, उनके नाम पे ही रखा गया है। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, तो होते हैं ये जो जो आपके बर्ड्स वगैरह पे अध्ययन करते हैं, और यहाँ पे ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, इसके बारे में बात किया था। नेक्स्ट हमने देखा था दाचीगम नेशनल पार्क, दाचीगम जो है वो भी जम्मू कश्मीर में है, इसको 1981 में नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया, हंगूल की वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है, कश्मीरी स्टैग भी यहाँ पे कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं हंगूल को, हंगूल ऐसा नजर आता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क के बारे में बात किया था, ये भी जम्मू कश्मीर में है, इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 1981 में, इसके बारे में देखा था। नेक्स्ट हमने देखा था लद्दाख रीजन के बारे में, देखिए लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, देखिए जो भी गलत बता रहे थे लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क, देखिए गलत नहीं करना है, और हेमिस नेशनल पार्क जो है वो तो लद्दाख रीजन में है, इसको लार्जेस्ट नोटिफाइड एरिया है, जो प्रोटेक्शन किया गया है इसको, और आपका ये जो है ये आपके कहाँ पे है तो ये देख लीजिए, एंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिजियस प्रोटेक्टेड एरिया है, और आफ्टर नंदा देवी के बाद यहाँ स्नो लियोपर्ड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। चलिए सभी जो भी नए जुड़े हैं लाइक कर दीजिए, बस हम अलविदा ही ले रहे हैं। अब है ये आपका हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने बात किया है, वहां हमने पिन वैली नेशनल पार्क देखा है, ये लाहौल स्पीति के पास में है ये नेशनल पार्क। फिर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में हमने जाना था, ये भी आपका कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, इसको यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया है, कुल्लू रीजन में है ये। नेक्स्ट हमने इंद्र किला नेशनल पार्क के बारे में बात किया था, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, और इसको न्यूली ही बनाया गया है, आप देख सकते हो जस्ट 11 साल पहले से बनाया गया है 2010 में। देखिए नेक्स्ट हमने खीर गंगा नेशनल पार्क के बारे में बात किया था, तो हिमाचल में ही है खीर गंगा नेशनल पार्क में, 2010 में ही इसको बनाया गया है। फिर सिंबल बारा नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही हमने इससे बात किया था, बॉर्डर आपके हरियाणा के बॉर्डर के पास जो जगह है वहीं पे ये जो है आपका नेशनल पार्क सिचुएटेड है, 2010 में ही बना है, ये भी नया है। फिर हमने नेक्स्ट उत्तराखंड के बारे में बात की थी, उत्तराखंड में सबसे पहले जिम कॉर्बेट के बारे में बात किया था, जिम कॉर्बेट क्या है, तो सबसे पहले जिम कॉर्बेट को स्टैब्लिश किया गया है, इसको हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है,
और इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए ये एरिया है। और आपका क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर का जो इनिशिएटिव है यहीं से लिया गया था, तो इसको भी याद रखना। जिम कॉर्बेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर गोविंद बसु नेशनल पार्क के बारे में जाना था, ये आपके आपके इंडियन फ्रीडम फाइटर पॉलिटिशियन है गोविंद वल्लभ पंत, इनके नाम पे रखा गया है। और आपको ये याद रखना है, ये जो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है और इसका एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, ये नेशनल पार्क है आपका उत्तराखंड के अंदर। इनिशियली ये क्या था, वाइल्ड सेंचुरी था, मैंने आपको बताया वाइल्ड सेंचुरी से हम अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना सकते हैं अगर हमें लगे कि वो प्रोटेक्शन का जरूरत है इस चीज को, गवर्नमेंट को ऐसा लगे तो। गंगोत्री नेशनल पार्क भी आपके उत्तराखंड में है, फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट देख लीजिए, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के बारे में बात किया है, जो भी ये भी उत्तराखंड में है, मैंने बात किया था, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएचर है, आप देख सकते हो रेड जाइंट फ्लाइंग स्क्वायरल। हमने अभी तक गिलहरियां देखी है आसपास, लेकिन गिलहरी उड़ते हुए नहीं देखी, आप देख सकते हो। जब मैं इसे देख रही थी तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था, सोचा मैं इसकी पिक्चर्स आप लोग के साथ भी शेयर करूं, इसीलिए ऐड किया। अच्छा चलिए देखिए, देखिए नंदा देवी नेशनल पार्क है, ये भी आपके यूनेस्को में ही है, आपके पीक है नंदा देवी यहाँ पे आपके उत्तराखंड में, सॉरी यूनेस्को में नहीं उत्तराखंड में है, गड़बड़ हो गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यूनेस्को के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया है, नेशनल पार्क वाज इंस्क्राइब्ड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, ये भी ध्यान रखना है भाई। चलिए राजा जी नेशनल पार्क की बात कर लिया है, ये भी उत्तराखंड में है, तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के एक नेशनल पार्क बनाया गया है, चिल्ला मोतीचूर और राजा जी नेशनल पार्क को मर्ज करके राजा जी नेशनल पार्क का नाम दिया गया है। सभी लाइक कर दें जो भी नए आए हैं। चलिए तो सेशन यही समाप्त करते हैं, कल नहीं मिलेंगे, कल 7 to 8 क्लास नहीं होगी, 11 to 12 आपके रिवीजन क्लास हो सकती है, बुद्धिज्म टॉपिक चलेगा कल 11 to 12 आपके ऐप पे, तो आप ऐप पे क्लास अटेंड कर सकते हो, थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाएगा तो अच्छा भी लगेगा, शायद मुझे भी अच्छा लगेगा आप सबको वहां देख के जो यहाँ पे रोज मेरी क्लास कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों से एक कनेक्शन सा जुड़ गया है, तो आप लोग क्लास करेंगे तो वहां पे अच्छा लगेगा। सभी आए क्लास अटेंड करें, 11 to 12 हमारी रोज वहां पे क्लास होती है। सब्सक्रिप्शन संबंधी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कर सकते हो मैसेज, ये व्हाट्सएप नंबर है सब्सक्रिप्शन संबंधी कोई दिक्कत के बारे में पूछने के लिए, और भी कोई परेशानी है तो पूछ सकते हो व्हाट्सएप करके, व्हाट्सएप नंबर है ये। आपको कोड याद कर रखना है जब कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो, SHALINI, ये कोड अप्लाई करके आप कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो। चलिए थैंक यू सो मच, आप सभी को थैंक यू सो मच पेशेंसली लेक्चर को सुनने के लिए। लेक्चर अच्छा लग रहा है लाइक कर दें, लोगों तक को भेज भी दें कि लेक्चर ऐसा आता है हमारा 7 to 8, ताकि और भी लोगों का भला हो सके, ये ना सोचे कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए भाई, कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, बहुत जरूरी है हेल्दी कंपटीशन। चलिए तो अलविदा लेते हैं, किसी को कुछ पूछना है, कुछ कुछ मन में कोई गिला शिकवा है तो बता सकते हैं, लेक्चर नहीं अच्छा लग रहा है कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, चाहते हैं कुछ ऐड करना तो वो भी बता सकते हैं, कोई टॉपिक में कोई परेशानी है तो वो भी एज सजेशन बता सकते हैं, सब चीजें आप लोगों की सारी सुनवाई की जाएगी, सब चीजें ऐड किया जाएगा। चलिए तो चलें फिर, अलविदा लेना चाहिए शायद, चलिए फिर चलते हैं फिर, सभी लाइक कर दें अलविदा बोलने से पहले, जाने से पहले सभी लाइक कर दें, गुड नाइट सभी को, और कल 7 to 8 जरूर आए, लेक्चर अटेंड करें आप मॉर्निंग वाला, 7 to 8 नहीं सॉरी 11 to 12, याद ही नहीं रहता है, गड़बड़ हो जाता है, 11 टू 12 मॉर्निंग में लेक्चर होगा, जरूर आए वहां अटेंड करने, आप लोग आते नहीं है, अच्छा लगता है अगर आप आएंगे तो, अच्छा लगेगा मुझे आप सभी आएंगे तो, जरूर आए वहां पर भी, लेक्चर जरूर अटेंड करें। चले भाई जाते हैं।